जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ 2023 में, और इसका जो लेटेस्ट एडिशन है ये 13वें नंबर का एडिशन। इस पार्टिकुलर इवेंट्स को जो होस्ट करने वाली कंट्री है वो हमारा प्यारा सा भारत है, और आप सभी को पता है कि इस पार्टिकुलर गेम का जो शुरुआत हुआ था वो 5 अक्टूबर को हुआ और कल के दिन 19 नवम्बर को इसका जो है अंत हुआ है दोस्तों। सो अगर हम बात करेंगे 2023 के क्रिकेट मेन्स वर्ल्ड कप का, जिसको ऑर्गेनाइज करती है आईसीसी, तो इसके रिगार्डिंग कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। अगर हम बात करें हाईएस्ट विकेट टेकर्स का, तो मोहम्मद शमी का नाम है जिसने 24 विकेट्स लिया है। इसके बाद मोस्ट रन की बात किया जाए तो विराट कोहली को हम कैसे भूल सकते हैं, और साथ साथ विराट कोहली भारत के पूरे विश्व के वो प्लेयर बने हैं जिन्होंने 50वां जो है ओडीआई जो है सेंचुरी बनाया है दोस्तों। इसके साथ साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कह सकते हैं तो विराट कोहली को मिला, बट दुर्भाग्य से किसी कारणवश 19 नवंबर में जो फाइनल था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को 2023 का जो है वर्ल्ड कप में विनिंग हुआ है दोस्तों। लेकिन एक नजर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड और पास्ट पे, क्या आखिर ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप का शुरुआत कब से हुआ, इसका पहला एडिशन कहाँ पर होस्ट हुआ था, और इसके साथ साथ दिन कई सारे फैक्ट्स को जानते हुए अपकमिंग जो इवेंट्स होने वाला है वो कहाँ पे होगा, और जब भी कोई कंट्री इस तरह के स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करती है, इवेंट्स को होस्ट करती है, तो उस पार्टिकुलर कंट्री का इकोनॉमिकल बेनिफिट्स या इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स क्या होता है, तो आइए इन सब चीज़ों को समझते हैं दोस्तों। सो अगर हम बात करेंगे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का, जिसका पहला एडिशन जो हुआ था वो 1975 में हुआ था, और इस पार्टिकुलर इवेंट्स को जो होस्ट करने वाली कंट्री थी वो इंग्लैंड। इसके साथ साथ लगातार जो है 3 इंपॉर्टेंट जो वर्ल्ड कप हुआ है वो इंग्लैंड ही होस्ट की है, और अब तक का हम थोड़ा स्टैटिक्स पे जाएंगे तो इस पार्टिकुलर क्रिकेट स्पोर्ट्स के इवेंट्स में टोटल नंबर ऑफ टीम जो है 10 जो है पार्टिसिपेट की है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि साल 2027 में ये 10 टीम जो है पार्टिसिपेशन जो टीम है ये बढ़ करके आपका 14 हो जाएगी, 14th हो जाएगी, और साल 2027 का जो नेक्स्ट जो आपका वर्ल्ड कप होने वाला है वो आपका साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में जो है आपका होने वाला है दोस्तों। ये जो पार्टिकुलर इवेंट ये हर 4 सालों में होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, रिमेम्बर रखना है, कई सारा जो भी इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हैं, तो आइए दोस्तों उन सब चीज़ों को हम लोग समझते हैं। जब भी इस तरह का स्पोर्ट्स इवेंट्स किसी भी एक पार्टिकुलर कंट्री जब होस्ट करती है तो उस पार्टिकुलर कंट्री को अलग अलग लेवल पे कई सारा बेनिफिट्स होता है दोस्तों। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर कोई होस्ट कंट्री है तो अलग अलग शहरों में एविएशन इंडस्ट्रीज को जो है डेवलपमेंट होगा, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट्स होगा। इसके साथ साथ जो भी टेलीविजन्स पे हम लोग देखते हैं या फिर मोबाइल डिवाइस पे हम लोग देखते हैं जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, तो वहाँ पर उनको बेनिफिट्स होने वाला है। इसके साथ साथ कई सारे जो फैन हैं, आपको तो पता है दोस्तों कि भारत में क्रिकेट को जो है पूजा जाता है और एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, तो हमारे भारत में जब भी इस तरह का इवेंट्स होता है तो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग कई सारे इंपॉर्टेंट जो भी पार्टिकुलर जो सामान है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स गियर, अटायर, देन इसके साथ साथ आप ट्रैवल करेंगे, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, यानी सारा सेक्टर जो है डेवलप होगा। इसके साथ साथ जर्सी हो गया दोस्तों, कलर हो गया, इसके साथ साथ कई सारा और भी पॉइंट है जो हम लोग समझते हैं। तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एयरबीएनबी ने एक रिपोर्ट जब निकाला और उन्होंने ये कहा कि लगभग जब भारत और पाकिस्तान का मैच जब हुआ था तो एकोमोडेशंस के लिए अहमदाबाद के लोकेशंस पे लगभग 4000% से ज़्यादा जो स्पाइक हुआ था, 4000% जो है सर्चेज जो हुआ था एकोमोडेशंस के लिए। अगर हम बात करेंगे एविएशन इंडस्ट्री की, तो एविएशन इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो है इंडिगो, और इसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 20% इंक्रीज हुआ था बुकिंग फ्लाइट्स के टिकट में। ब्रॉडकास्टर्स की बात किया जाए तो इस पार्टिकुलर इवेंट्स का जो होस्ट ब्रॉडकास्टर वो स्टार स्पोर्ट्स है, और स्टार स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग लगभग 90% एडवर्टाइजमेंट इन्वेंट्री जो है सेल हुआ है दोस्तों, वन टाइम प्रमोशन एजेंसीज, बैनर, कलर, देन इसके साथ ग्राउंड स्टाफ, वॉलंटियर, ऐसे कई सारा छोटा 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 काम होकर के कई सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट्स भी हुआ है दोस्त। अगर हम बात करेंगे फीकी का, तो फीकी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 30% जो है इंक्रीजेस हुआ है दोस्तों, कह सकते हैं कि इस पार्टिकुलर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने में देश के इकोनॉमी में। कोटेक सिक्योरिटीज ने बताया है कि लगभग 13,500 करोड़ के आसपास ये एड ऑन किया है हमारे भारत की इकोनॉमी में। इसके साथ साथ मीडिया और एंटरटेनमेंट्स की बात किया जाए तो कोटेक सिक्योरिटीज ने ये भी बताया है कि लगभग 4,500 करोड़ के आसपास जो ये जनरेशन हुआ है। रिटेल सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो फीकी ने ये बताया है कि 2,500 करोड़ के आसपास रिटेल सेल्स हुआ है, जिसमें आपका जर्सी, बैंड, ETC आप कह सकते हैं।
और फूड एंड बेवरेजेस की बात किया जाए तो लगभग दोस्तों आपका 1500 करोड़ के आसपास जो है बेनिफिट्स हुआ है हमारे देश में दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि एक पार्टिकुलर स्पोर्ट जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और जो होस्ट कंट्री रहती है जब इसको होस्ट करती है तो कई सारा बेनिफिट्स होता है दोस्तों। लेकिन आज जब 19 नवंबर का दिन था और भारत को हार मिला, लेकिन इस हार से हम लोगों को कुछ सीखना है। मैंने पहले ही बताया कि जब भी कोई लाइफ हो या फिर स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हार और जीत बना हुआ रहता है, लेकिन हम लोग हमेशा क्या करेंगे कि हार से जो है सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके अपना जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लूप होल्स है, उसमें शॉर्ट आउट्स करके उस पर अच्छे से अच्छा फोकस करेंगे दोस्तों। आई होप कि ये जो इंपॉर्टेंट डेटा एंड फैक्ट्स था आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने हुए रहने के लिए।